संत रामपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनके अनुयायियों ने इंदौर में ज्ञापन भेज कर रिहाई की मांग की है। रविवार को राष्ट्रीय स्तर रामपाल के समर्थकों ने अपने सर पर काली पट्टी बांधकर सत्य रामपाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। धारोर स्थित नावदा पथ में काफी संख्या में उनके अनुयायी एकत्रित हुए थे। इस दौरान उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष इकबाल खान को एक ज्ञापन भेंट किया। इस ज्ञापन में उन्होंने मंत्री रामदास अठावले के द्वारा राष्ट्रपति को भेजने के लिए गुहार लगाई है। जी, हम सब लोग तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। आज से 4 साल पहले 2014 में 18 नवंबर के दिन हमारे आश्रम पर तत्कालीन बीजेपी सरकार के द्वारा दमनकारी नीति के तहत हमारे गुरुजी को गिरफ्तार किया था और आश्रम के ऊपर आंसू गैस के गोले वगैरह छोड़े थे, पानी वगैरह बंद कर दिया था। तो हम आज इनको काले दिवस ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं और तब से अभी तक हम राष्ट्रपति जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भी हर साल सौंप चुके हैं और आज भी हम फिर से जो हमारे ऊपर अत्याचार हुआ था उसकी न्यायिक जांच कराने के लिए, सीबीआई जांच कराने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी से प्रार्थना कर रहे हैं। और एक ज्ञापन सामाजिक न्याय मंत्री श्री रामदास जी अठावले को, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश महासचिव दीपक जी और प्रदेश अध्यक्ष इकबाल खान जी के थ्रू रामदास जी के पास भी एक हम ज्ञापन की काफ़ी भेज रहे हैं आपका, तो जिससे हमें न्याय मिल सके। मुझे जो ये इस संगठन से, इस जो अपने रामपाल जी के जो मैटर हैं, जो भी हुआ है इनके साथ में, इससे मैं काफ़ी दिनों से पहले से जुड़ा हूँ और इनको समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। मैं इनके साथ दिल्ली भी गया हूँ, नोएडा भी गया हूँ और इनके सभी साथी लोगों की समस्या मैं अपने लेवल तक अच्छी तरह समझ चुका हूँ। मैंने अपनी तरफ से नॉलेज में डाला हुआ है हमारे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस पार्टी के फाउंडर जो हैं हमारे आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं, जिन्होंने ये पार्टी को बनाया था, जिन्होंने संविधान बनाया। इनके नेतृत्व में, उनके संविधान के मुताबिक और जो नियम के अनुसार हम चाहते हैं कि सामाजिक न्याय मंत्री जी जो है इस पे, इस मुद्दे को लेके आगे बढ़े और जो उनके साथ अगर अन्याय हुआ है सीबीआई जांच करवाए, वो सीबीआई जांच करा के और उनको न्याय दिला के और उनको जमानत पे, कम से कम जब तक केस चल रहा है और उसकी जांच हो रही है तब तक उसको जमानत दी जाए और जमानत पे उनको रिहा किया जाए और उसमें बिल्कुल जो दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, उसके लिए केंद्र मंत्री रामदास अठावले जी, सामाजिक न्याय मंत्री और हम सब मिल के और सभी संघ के, संगठन के सभी लोग इसके लिए जो भी हमको निर्णय, जो भी कुछ करना पड़ेगा हम नियमानुसार करेंगे। कोई शासन का उल्लंघन, किसी चीज़ का उल्लंघन नहीं करेंगे, कोई मुल्क का तोड़फोड़ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि जो भी सरकार है, जो भी सरकार आएगी है, जो भी सरकार है, मौजूद है, वो इसके लिए विचार करेगी दोबारा और इन सब का मनोबल जो है कमज़ोर नहीं होने देगी और इनको ऐसा किसी को नहीं लगे कि मुल्क में जो है न्याय नहीं। राष्ट्रपति के नाम दिए गए ज्ञापन में सत्य रामपाल की शीघ्र रिहाई की मांग उनके अनुयायी ने की है।